हेलो एवरीवन, इस पूरी सीरीज के अंदर हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे ऑन डिजिटल लॉजिक। और डिजिटल लॉजिक के अंदर जितने भी सिलेबस है, पूरा जो स्टार्टिंग से एंड तक हम पूरा टॉपिक जो है सब कवर करेंगे, और उसके साथ साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो आई होप जो क्लासेस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आई थिंक यू नो माई नेम, माई नेम इज़ हिमांशु कौशिक, और मुझे गेट की फील्ड में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो चुका है। मैं इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, और सब पहली बार मैंने गेट एग्ज़ाम क्लियर किया था, दैट वॉज इन 2011-12। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि इसी फील्ड में मुझे लगभग 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ऑब्वियसली हमारा जो एक्सपीरियंस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो इसी वजह से आप जो हमारी क्लासेस है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं ऑन अन अकेडमी, तो अन अकेडमी पे मेरे पास दो तरह के कोर्सेज जो होते हैं। पहला जो है दैट इज़ कॉल्ड प्लस कोर्स, एंड सेकेंड इज़ आइकॉनिक कोर्स। तो प्लस कोर्स में स्पेशल ये है कि यहाँ पर इंडिया के बेस्ट टीचर्स यहाँ पर होते हैं, और साथ साथ में जो मेरी क्लासेस होती है वो काफ़ी इंट्रैक्टिव होती है, यानी कि आप और मैं क्लासेस के बीच में इंट्रैक्टिव या डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। और साथ साथ में जब आप आइकॉनिक कोर्स में जाएंगे तो आइकॉनिक में स्पेशल है, स्पेशल ये है कि एक मेंटर आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। तो मेंटर जब भी आपको कोई भी डाउट रहेगा, आपको कोई भी नोट्स की ज़रूरत होगी या फिर आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, तो मेंटर हमेशा आपको सपोर्ट करेगा इन एनी वे। तो अगर मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं विद अन अकेडमी, चाहे आप प्लस ले या फिर आइकॉनिक ले, मेरा कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, जस्ट यूज़ अ कूपन कोड विच इज़ कौशिक 10, क्योंकि कौशिक 10 में आपको टोटल 10% ऑफ हमको मिल जाएगा। जस्ट यूज दिस एंड होप यू लाइक दिस। पूरी सीरीज जो है आपको बहुत अच्छी लगेगी, एंड थैंक यू सो मच। सो यू कैन ऑल्सो डिज़ाइन काउंटर्स फॉर योर सेल्फ। आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ काउंटर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू द प्रोसीजर, देन आई विल कम बैक टू द थ्योरी। मैं एक बार एक प्रोसीजर को एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम लोग थ्योरी को समझेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द क्लॉक ऑफ सम, आई मीन दिस इज द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ सम काउंटर, राइट? आई मीन हियर यू कैन सी दिस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इज फॉर ग्रे कोड। ये कुछ ग्रे कोड है हमारे पास। द फर्स्ट स्टेट इज 00, सेकेंड स्टेट इज 01, थर्ड स्टेट इज 11, एंड द फोर्थ स्टेट इज 10। कुछ आपके पास ऐसा है। दिस इज द काइंड ऑफ काउंटर दैट यू वॉन्ट टू डिज़ाइन। ठीक है, आई होप इट इज़ विजिबल। आप सभी के साथ ये विजिबल होगा, राइट? सो आई कैन डिज़ाइन दिस काउंटर। मैं इसको कैसे डिज़ाइन करूँगा? स्टेप्स आर वेरी इजी। फर्स्ट स्टेप क्या है? जस्ट राइट व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेट एंड द नेक्स्ट स्टेट। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखना है कि हमारे पास प्रेजेंट स्टेट कौन सी है, एंड देन व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेट, आपकी नेक्स्ट स्टेट कौन सी है। ठीक है, सो द प्रेजेंट स्टेट्स आर 00, नेक्स्ट स्टेट इज 01। इफ प्रेजेंट स्टेट इज 01, नेक्स्ट स्टेट इज 11। इफ द प्रेजेंट स्टेट इज 10, द नेक्स्ट स्टेट इज 00। इफ द प्रेजेंट स्टेट इज 11, देन द नेक्स्ट स्टेट इज 11। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू मेक। आफ्टर मेकिंग दिस टेबल, आई मीन आफ्टर मेकिंग द टेबल ऑफ प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट, आपने बता दिया कि प्रेजेंट स्टेट कौन सी है, नेक्स्ट स्टेट कौन सी है। इसके बाद आपको क्या करना है? द सेकेंड स्टेप इज यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू आइडेंटिफाई विच फ्लिप फ्लॉप यू वॉन्ट टू यूज। लेट अस अज्यूम आई वॉन्ट टू यूज अ टी फ्लिप फ्लॉप, मुझे अगर टी फ्लिप फ्लॉप को यूज करना है। ठीक है, सो आई एम रिप्रेजेंटिंग टी फ्लिप फ्लॉप। सो फॉर दिस सेट आई एम गोइंग टू यूज अ टी फ्लिप फ्लॉप विच इज टी, आई कैन से इट इज टी जीरो, आई कैन से इट इज टी वन। सो लेट अस सपोज दैट दिस इज टी वन एंड दिस इज टी जीरो, आई मीन दिस इज क्यू जीरो, दिस इज क्यू वन, दिस इज क्यू जीरो नेक्स्ट, एंड दिस इज क्यू वन नेक्स्ट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे आइडेंटिफाई करना है मुझे कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करना है। द फ्लिप फ्लॉप दैट आई वॉन्ट टू यूज इज अ टी फ्लिप फ्लॉप। नाउ आई नीड द एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। इफ यू रिमेंबर वट इज द एक्साइटेशन, एक्साइटेशन टेबल फॉर टी फ्लिप फ्लॉप, आई हैव टू यूज दिस एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। इफ यू रिमेंबर इट, ठीक है, अगर आपको याद हो, सो वट इज द एक्साइटेशन टेबल? इन द एक्साइटेशन टेबल विल टेल इफ दिस इज द प्रेजेंट स्टेट एंड दिस इज द नेक्स्ट स्टेट, वट वॉज द वैल्यू ऑफ टी। सो 00, 01, 10 and 11, only in the cases where present state and next state is changing, in that case the value of t is 1, otherwise the value of t was 0. ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक्साइटेशन टेबल क्या है।
Now look at the present state, look at the next state and try to predict the value of t. If the present state is 0 and next state is 1, present state is 0, next state is 1, the value of t is 1. Here you can see the present state is 0 and next state is also 0, the value of t is 0. In the same way, present state is 1, next state is 1, value of t is 0. Present state is 0, next state is 1, the value of t is 1. Clear? After this, again, present state is 0, next state is 0, the value of t is, usme t ki value kya thi hamare paas, that is 0. Present state is 1, next state is 0, value of t is 1. Again, the present state is 1 and next state is also 1, the value of t is 0. The present state is 1, next state is also 1, the value of t is 0, right? I think 1 say next state is 10, I think this is a mistake. So it is 10. So here it should be 1. So yahan par ye jo value hai, ye hamare paas value 1 honi chahiye. This is you, what you can do, okay? So is table se aapko kya idea lag raha? What is the idea you can get from this table? So you can identify ki agar hame ye present se next state chahiye, to us samay par hame t flip flop ko kya input dena hai? What is the input you want to give to the T flip-flop? This is what I have to identify here. Okay, so this is the input that should be given D1 to T0 and this is the input that should be given to T1. I mean to say, ki ye aapka T0 hai. I mean, this is your T flip-flop T0. The output is Q0. This is Q0 next. I mean, this is Q0 complementation. Ye jo hai, ye aapka Q0 complementation hai. And this is your T1. This output is Q1 and this output is Q1 complementation. ठीक है, तो ये आपका T flip flop है. Now in this T flip flop, अगर आप check करेंगे, if you check it out, तो जो T0 आपके पास है, okay? So for this T0, I can make a K map. तो मैं T0 के लिए मैं यहाँ पर एक K map बना सकता हूँ. This is representing for T0. In this K map, I'm going to take these inputs. यहाँ पर जो Q0 और Q1 है, I'm going to take them. So I'm going to take here Q0 complement, this is Q0. I'm going to take Q1 complement and this is Q1. So it is having value 1 in two places. So when both of them are complemented form, I mean here, and when none of them is complemented form, that is 1 here. So basically it is Q0 XNOR Q1. Correct? In the same way, I can also make a table for T1. Now T1 jo hai, if you check it out, it is XOR gate. So basically for T1, it is Q0 XOR Q1. तो इस तरीके से आप यहाँ पर टेबल बना सकते हैं. And then you can implement this as a circuit. So I got the input to T0, I got the input to the T1. तो यानी कि T0 के अंदर I have to give an XNOR gate. तो ये आपके पास XNOR gate है. Okay. So that means I have to take this Q0 as well as I have to take this Q1. I have to give this in an XNOR format to the T0. और अगर आप T1 की बात करेंगे, in T1 I have to do XOR. तो यहाँ पर मुझे XOR gate का use करना है. So here I have to use this one as well as I have to use this one. So this flip flop will now act as, obviously this is, so this flip flop will now act as this kind of counter. ये जो flip flop है वो ये वाली counting को use करेगा. And I think you can also see it here. तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं. So how I did it? सबसे पहले I need this diagram. आपको सबसे पहले ये वाला diagram चाहिए. That means so first of all you need this diagram. सबसे पहले आपको diagram चाहिए. What is the counting you want to do? By looking at this diagram, you are going to make what is the present state, then you are going to make what is the next state, and then on the basis of present state and next state, you are going to predict the input to the T0 and T1 by using excitation table. अब excitation table को देखने के बाद, you are going to make a K map for T0, you are going to make a K map for T1. So this T0 is Q1 XNOR Q0 and this T1 is Q1 XOR Q0. And by this, you can make this diagram. I hope it is visible, aap sabhi ke sath visible hoga. And in this manner, I can implement this kind of, this kind of counting. Okay? So it's very easy. And again, this is a shift counter. Second one is using D flip-flop. तो अभी जो हमने किया था वो हमने T flip-flop के साथ किया था. Let us do the same using D flip-flop. So how can you do it? So first of all, you should know what is the present state, then what is the next state, okay? And then you have to identify what is the input to the D flip-flop.
तो डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट के लिए आपको डी फ्लिप फ्लॉप का जो एक्साइटेशन टेबल है वो पता होना चाहिए. सो लेट मी मेक द एक्साइटेशन टेबल फॉर डी फ्लिप फ्लॉप. एक्साइटेशन फॉर डी फ्लिप फ्लॉप, राइट? सो दिस इज क्यू एंड दिस इज क्यू नेक्स्ट एंड दिस इज द इनपुट टू द डी फ्लिप फ्लॉप. सो 0 0 0 1 1 0 1 1. इफ यू रिमेंबर, तो डी फ्लिप फ्लॉप में आप जो इनपुट देंगे यू विल गेट द सेम आउटपुट. सो बेसिकली दिस नेक्स्ट स्टेट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डी. So that was the excitation table for D flip flop. So here you can see, if the present state is 0 0, next state is 0 1. If the present state is 0 1, next state is 1 1. If the present state is 1 0, next state is 0 0. If the present state is 1 1, next state is 1 0. Okay, so that means this is your Q0, this is Q1, this is Q0 next, and this is Q1 next. And by this, if I have to implement it by D flip flop, अगर मुझे यही same concept को D flip flop से implement करना है, how can I do it? So I have to check out this excitation table and I have to identify कि अगर हमारे पास present output 0 है और next output अगर हमें 1 चाहिए, then what should be the value of D? So if you remember it, I told you whatever input you give, you get the same output. So basically this same value I'll copy here. So it is 1 1 0 0. If I talk about D1, so whatever input you give, you'll get the same output. So it is 1 0 0 1. I mean 0 1 0 1, like this. Now after this, if you want to implement it, I'm going to make a K-map for D0 as well as I'm also going to make a K-map for D1. But quickly you can also analyze it here that this D0 is actually equivalent to Q1 complement. So D0 hai wo Q1 complement ke equal hai, because here we have 0 0, then it is 1 1. If it is 1 0, then it is 0 0. So it is equivalent to Q1 complement. And if you look at this D1, so this D1 is actually equivalent to Q0. Jo D1 jo hai, wo Q0 ke equivalent hai. So that means if I want to implement it, then this is your D flip-flop, this is D0, this is Q0, this is Q0 complement, and this is representing your D1, this is Q1, and this is Q1 complement. So in this case, in case of D0, I want to give this Q1 complement as an input. In this case of D1, I want to give Q0 as an input. Main yahan par D1 ke case mein Q0 ko input dunga. And this is representing your clock. Ya aapki jo clock hai usko represent kar raha hai. Now you can see I can represent this counter just by using D flip flop. Main same counter ko yahan par D flip flop se bhi implement kar sakta hu. You can try to analyze this D flip flop, you will get the same counter here. करेक्ट. सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट वी कैन यूज मिक्सचर ऑफ टू फ्लिप फ्लॉप्स हियर. हम दो फ्लिप फ्लॉप का मिक्सचर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ओके दिस वॉज द डायग्राम. इफ आई वॉन्ट टू यूज अ टी फ्लिप फ्लॉप एज वेल एज डी फ्लिप फ्लॉप, हम यहाँ पर टी फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करके भी सेम काउंटर को बना सकते हैं. सो आई ऑलरेडी क्रिएटेड दिस डायग्राम फॉर यू गाइज. यू हैव व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस काउंटर 0 0 to 0 1, फ्रॉम 0 1 to 1 1, एंड फ्रॉम 1 1 to 1 0. And you will identify that this is again your gray code and this counter is counting in gray code, and you have to implement this counter by using a T flip flop as well as by using a D flip flop, right? So agar aap usko banayenge, then this is the kind of diagram you are going to get. Again I'm saying, I'm giving you this diagram so that you can practice and you can match your answer with me. But if you feel like you are not able to get it, just let me know in the doubt section. I will send you the proper solution for this. ठीक है. I hope whatever I have studied taught you so far, आप सभी को अच्छा लगा होगा. Whatever we have done so far, तो आप सभी को वो अच्छे से समझ में आया होगा. At any point of time, do not hesitate to ask questions. Questions पूछना एक बहुत अच्छी आदत है, और अगर आप questions को पूछेंगे, so obviously lot of things will get clear for you guys, as well as it will be better for each and every one of us. ठीक है. So next one is, this is a kind of a previous year gate question. They are saying that we have this kind of flip-flops. These flip-flops are attached in this manner. And you can see this here, it is, here I'm using Q0 complement as a clock, and here I'm using Q1 as a clock. So this is a tricky part, and this is a previous year gate question. And they are saying if the present state is 101, then what will be the state after 4 क्लॉक पल्सेस. अगर आपकी जो प्रेजेंट स्टेट है वो 101 है, तो आफ्टर 4 क्लॉक पल्सेस जो आपकी नेक्स्ट स्टेट है वो क्या होगी. लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस. आई होप यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट.
सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, ट्राई टू पॉज द वीडियो. आई थिंक द क्वेश्चन इज विजिबल टू यू गाइस, क्वेश्चन आप सभी के साथ विजिबल है. ट्राई इफ यू कैन पॉज द वीडियो एंड आफ्टर पॉजिंग द वीडियो ट्राई टू सॉल्व इट. सो यू कैन सी हाउ कैन यू सॉल्व इट. तो यहाँ पर तीन फ्लिप फ्लॉप है, यू हैव T0, T1 एंड T2, यू हैव थ्री T फ्लिप फ्लॉप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मेक द टेबल, द ट्रुथ टेबल. आई मीन दिस इज द प्रेजेंट स्टेट Q0, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2. देन आई हैव द नेक्स्ट स्टेट, दिस इज Q0 नेक्स्ट, दिस इज Q1 नेक्स्ट एंड दिस इज Q2 नेक्स्ट. ओके एंड देन हियर आई हैव टू मेक दीज टू थिंग्स एंड देन ट्राई टू आइडेंटिफाई कि स्टेट्स क्या क्या होती हैं. ठीक है, सो लेट अस डू दिस स्टेप बाय स्टेप. तो प्रेजेंट स्टेट जो है, आई एम गोइंग टू टेक एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1. आई थिंक आई विल बी हैविंग लेस स्पेस, लेट मी रिपीट अगेन. सो हियर आई एम गोइंग टू हैव अगेन, दिस इज 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. ठीक है, सो दिस इज द टेबल दैट वी हैव. ठीक है, नाउ लुक एट इट वेरी केयरफुली बिकॉज दिस इज द प्लेस वेयर मैक्सिमम पीपल गेट डाउट्स. सो इनिशियली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर इज प्रेजेंट आउटपुट हियर इज 0, Q1 इज ऑल्सो 0 एंड दिस Q2 इज ऑल्सो 0. जो प्रेजेंट आउटपुट है वो यहाँ पर 0 है. देन व्हाट इज द नेक्स्ट आउटपुट, इफ यू लुक एट इट हियर इन ऑल ऑफ दीज टी फ्लिप फ्लॉप्स, इन सभी टी फ्लिप फ्लॉप के अंदर आई एम गिविंग इनपुट एज 1. सभी के अंदर जो मेरा इनपुट है वो यहाँ पर 1 है. करेक्ट, सो बिकॉज इनपुट इज 1 सो ऑब्वियसली योर टी फ्लिप फ्लॉप विल एक्ट एज ए टॉगल. आपका जो टी फ्लिप फ्लॉप है वो टॉगल की तरह काम करेगा. राइट, सो इनिशियली इफ आई एम हैविंग Q0 एज 0, अगर Q0 की वैल्यू 0 है, इफ आई एम गिविंग इनपुट एज 1, देन दिस विल मेक दिस एज 1. 0 से लेकर 1 पे एक ट्रांजिशन हुआ, 0 टू ट्रांजिशन टू 1. आफ्टर दिस अब आप ध्यान से चेक करो, इफ दिस ट्रांजिशन इज फ्रॉम 0 टू 1, देन दिस ट्रांजिशन हियर, ये जो आपका ट्रांजिशन है Q0 कॉम्प्लीमेंट, तो ये जो ट्रांजिशन होगा ये 1 से लेकर 0 के बीच में ट्रांजिशन होगा. राइट, इफ Q0 इज ट्रांजिशन फ्रॉम 0 टू 1, देन Q0 कॉम्प्लीमेंट विल ट्रांजिशन फ्रॉम 1 टू 0 एंड दिस इज योर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप. तो ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है. सो बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एंड दिस इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम 0 टू 1, सो देर विल नॉट बी एनी चेंज इन Q1. Q1 के अंदर यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा एंड बिकॉज देर इज नो चेंज इन Q1, बिकॉज Q1 जो है वो 0 से लेकर 0 पर ही रहा, देर इज नो चेंज हियर, सो दैट मीन्स दिस Q2 विल ऑल्सो रिमेन द सेम. तो यहाँ पर ये समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, दिस इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड. लेट मी राइट दिस अगेन. तो ये समझना आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, इफ यू अंडरस्टैंड इट देन लॉट ऑफ थिंग्स विल गेट क्लियर. सो अगेन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द सेम, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. सो इन द फर्स्ट सेट आई एम एज्यूमिंग दैट Q0 इज ऑल्सो 0, Q1 इज ऑल्सो 0 एंड Q2 इज ऑल्सो 0. यानी कि इनिशियल वैल्यू जो Q0 की है वो भी 0 है, Q1 की वैल्यू भी 0 है और Q2 की वैल्यू भी 0 है. नाउ इन दिस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, राइट, सो दिस इज पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड. द सेकेंड फ्लिप फ्लॉप हियर इट इज ऑल्सो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड. द थर्ड फ्लिप फ्लॉप हियर इट इज ऑल्सो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड. बट ट्रिकी पार्ट क्या है यहाँ पर, इस फ्लॉप के अंदर आपने Q0 कॉम्प्लीमेंट को एज ए इनपुट दिया है एंड इन दिस फ्लिप फ्लॉप यू आर गिविंग Q1 एज ए इनपुट. सो फॉर द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप द इनपुट इज 1, यहाँ पर इनपुट 1 है. अगर जैसे ही आपके पास एक पॉजिटिव एज आएगी, दिस आउटपुट 1 विल चेंज टू 0. ये जो आउटपुट 1 है ये 0 में चेंज हो जाएगा. दैट मीन्स दिस Q0 विल चेंज फ्रॉम 0 टू 1. जो Q0 है, ये जो आपका Q0 है वो 0 से लेकर 1 में चेंज हो जाएगा आफ्टर फर्स्ट पॉजिटिव एज. सो 0 टू 1 ये किस में चेंज हुआ, 0 से लेकर 1 के अंदर. नाउ अगर ये 0 से लेकर 1 में चेंज हुआ, देन Q0 कॉम्प्लीमेंट विल चेंज फ्रॉम 1 टू 0. Q0 कॉम्प्लीमेंट जो है 1 से लेकर 0 पे चेंज होगा. 1 से लेकर 0 मीन्स इट इज़ अ नेगेटिव एज. 1 से लेकर 0 पे चेंज होना एक नेगेटिव एज है. सो दैट मीन्स दिस फ्लिप फ्लॉप विल नॉट रिस्पॉन्ड. ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड. तो यहाँ पर ये जो आपके पास प्रेजेंट स्टेट थी, द सेम विल बी योर नेक्स्ट स्टेट. आपकी जो प्रेजेंट स्टेट है सेम आपकी नेक्स्ट स्टेट भी रहेगी. नाउ यू कैन सी दिस थर्ड वन इज डिपेंडेंट ऑन Q1 एंड Q1 इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू 0.
Q1 जो है 0 से 0 पर चेंज हुआ, दैट मीन्स देर इज नो पॉजिटिव एज, बिकॉज देर इज नो पॉजिटिव एज, देयरफॉर दिस Q2 विल ऑल्सो रिमेन द सेम, Q2 भी आपके पास सेम रहेगा. नो लेट अस लुक एट द नेक्स्ट वन हियर. तो यहाँ पर क्या है, Q0 जो है वो 1 है, राइट. सो अगेन इफ देर इज अ पॉजिटिव एज, दिस 1 विल चेंज टू 0. ये जो 1 है ये 0 में चेंज हो जाएगा. देन दिस 1 विल चेंज टू 0, दैट मीन्स Q0 कॉम्प्लीमेंट विल चेंज फ्रॉम 0 टू 1. Q0 कॉम्प्लीमेंट जो है वो 0 से लेकर 1 में चेंज होगा, विच इज अ पॉजिटिव एज. सो पॉजिटिव एज मीन्स दिस Q1 विल ऑल्सो चेंज फ्रॉम 0 टू 1. और अगेन 0 से लेकर 1 में चेंज हुआ, दैट इज ऑल्सो ए पॉजिटिव एज, देयरफॉर दिस Q2 विल ऑल्सो चेंज फ्रॉम 0 टू 1. ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज दिस Q2 इज डिपेंडेंट ऑन Q1, और Q1 कैसे चेंज हुआ, 0 से लेकर 1 में. And because 0 से लेकर 1 में चेंज हुआ, that is a positive edge, hence Q2 will also change. Now look at the next one. Next आप देखने की कोशिश करें, here this Q0, see in every step Q0 will always change, because Q0 जो है हमेशा इसको positive edge मिलेगी, and we are always giving input as 1, so Q0 will always change, right? So Q0 you can write it down here, so it is 1, 0, 1, 0, 1, 0. In every step Q0 will always change, and Q1 will always change. Q1 कब change होगा, whenever this will change from 1 to 0, ठीक है. जैसे यहाँ पर क्या है, 0 से लेकर 1 में चेंज हुआ, there is no problem, there is no change, but whenever it is 1 to 0, then only this will change, right? क्योंकि यहाँ पर आपके पास अगर ये Q0 1 से लेकर 0 पे चेंज हो रहा है, therefore Q0 कॉम्प्लीमेंट होगा 0 से लेकर 1 पे. I mean to say in this case it is changing from 0 to 1, राइट. सो Q0 कॉम्प्लीमेंट विल चेंज फ्रॉम 1 टू 0, दैट इज अ नेगेटिव एज, सो दिस विल रिमेन द सेम. ये जो है यहाँ पर सेम रहेगा, राइट. सो बेसिकली Q1 विल रिमेन द सेम वेन एवर इट इज 0 टू 1. तो Q1 जो है उस केस में आपका सेम रहेगा. अगेन दिस इज 0 टू 1, Q1 जो है वो आपके पास सेम रहेगा. Q1 सिर्फ तब चेंज होगा जब ये 1 से लेकर 0 पे चेंज हो रहा है. सो दैट मीन्स Q1 विल चेंज फ्रॉम 1 टू 0, अगेन 0 टू 1, अगेन 1 टू 0. This is how Q1 will change. And after this, Q2 कब change होगा? When will Q2 change? Q2 will change whenever Q1 is changing from 0 to 1. अब देखो यहाँ पर 0 से लेकर 1 में change हुआ, that is why Q2 also changed. 1 से लेकर 1 में change हुआ, Q2 के अंदर कोई भी change नहीं आएगा, there will not be any change in Q2. Again, 1 से लेकर 0 पे change हुआ, that means a negative edge, so Q2 will not change. 0 से लेकर 0 में change हुआ, 0 से लेकर 0 के अंदर change रहा, I mean, it is the same. 0 to 0, so there is no change here, so this will remain the same. तो ये जो है ये same रहेगा यहाँ पर. Again 0 से लेकर 1 पे change हुआ, so that means it is a positive edge, so hence it is 1 to 0. 1 से लेकर 1 में change हुआ, that means no change, so it will remain the same. 1 से लेकर 0 पे change हुआ, that means negative edge, so it will remain the same. So this is the present state as well as the next state. Now by looking at it, you can make the state transition diagram. Initial state is 0, 0, 0. From 0, 0, 0, I'm going to 0, 0, 1, and from 0, 0, 1, I'm going to 1, 1, 0. यहाँ से मैं 1, 1, 0 पर जा रहा हूँ. From 1, 1, 0, I'm going to 1, 1, 1. यहाँ से मैं 1, 1, 1 पर जा रहा हूँ. And from 1, 1, 1, I'm going to 1, 0, 0. I'm going to 1, 0, 0. And from 1, 0, 0, I'm going to 1, 0, 1. मैं यहाँ से 1, 0, 1 के पास जा रहा हूँ. And from this 1, 0, 1, I'm going to 0, 1, 0. तो यहाँ से हम लोग 0, 1, 0 के पास जा रहे हैं. And from this 0, 1, 0, I'm going to 0, 1, 1. हम यहाँ से 0, 1, 1 के पास जा रहे हैं. And from this 0, 1, 1, I'm going to 0, 0, 0. तो यहाँ से हम 0, 0, 0 के पास जा रहे हैं. By looking at it, you can find out that there are total of 8 states. All the 8 states are coming in the loop. So obviously this counter here is self-starting. It is also free running. जो counter है self-starting भी है और free running भी है. And what was the question? Question was, if the present state is 101, what will be the state after 4 clock pulses? अगर आपकी present state 101 है, 101 is this state. अगर आपकी present state 101 है, तो 4 clock pulse के बाद क्या state होगी? So after first clock pulse, this will be the state. Second clock pulse, this will be the state. Third clock pulse, this will be the state. And the fourth clock pulse is, this is the state. So, yani ki after 4 clock pulse, the state will be 001. 4 clock pulse ke baad jo state hai, wo 001 hogi. And this is a previous gate question, right? So, in this manner, you can analyze this problem. Is question ko aap is tarike se analyze kar sakte hain. I hope you understood and you can
make this state transition diagram. तो अगर आपके पास 101 है, सो 1, 2, 3 and 4, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेट आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं. सो यहाँ से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी. सो इट इज़ अ मॉड 8 काउंटर. इट इज़ फ्री रनिंग एज सेल्फ स्टार्टिंग एंड वी नो वट इज द नेक्स्ट स्टेट फ्रॉम दिस. ठीक है. एंड नाउ यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस एंड दीज क्वेश्चंस आर फॉर योर प्रैक्टिस. सो हियर वी हैव 3 फ्लिप फ्लॉप्स एंड दिस इज अ सिंक्रोनाइज्ड फ्लिप फ्लॉप, राइट? सिंक्रोनस बिकॉज द क्लॉक पल्स इज सेम. सो द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज जेके फ्लिप फ्लॉप, द सेकेंड फ्लिप फ्लॉप इज अ डी फ्लिप फ्लॉप एंड द थर्ड फ्लिप फ्लॉप इज अ टी फ्लिप फ्लॉप. Now, if you have these three flip-flops and they are saying initially the states are 0, 0, 0, initially aapke paas jo hum log abhi jo hai currently 0, 0, 0 par hai, then what will be the state after 4 clock pulses and what will be the modulus of the counter? Is counter ka modulus kya hoga aur 4 clock pulses ke baad iska state kya hoga? So this is for your practice. I mean, you can do it and let me show you the answers here. So this is the kind of diagram you will get. So obviously you have to do it by yourself. Do not watch this diagram as of now. Pause the video, solve it, and then, you know, match your answers with it. And then you can easily identify the correct answer is option number C. And here the modulus is 5 because there are total of 5 states here in the loop. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 states in the loop. There are 5. That is why the modulus of this counter will be 5. So you can solve it. Now you can make note of this. If you have a shift counter and with the shift counter, the maximum modulus with n flip-flops is 2 into 2 raised to the power n minus 1. For a ring counter, if there are n flip-flops, the maximum modulus is n. And for a Johnson's counter, if we have n flip-flops, then maximum modulus is 2 into n. So, ye cheeze aap note down kar sakte hain. So based on these things, you can fill out a lot of things. For example, let us suppose that you have 8 flip-flops. Agar aapke paas 8 flip-flops hai. And with these 8 flip-flops, if you are making a shift counter, so in this shift counter, 2 raised to power 8 minus 1, or you can say the modulus will be 255. So kitna modulus hoga yahan par? 255. Or you can say, you can count up to 255. Then if I say I have a ring counter, and with the ring counter, the maximum modulus is 8 only. So yani ki aap 8 tak count kar sakte hain. And when we have a Johnson's counter, maximum modulus is 2 into 8 or you can say 16. So jo maximum modulus hai wo aapke paas yahan par 16 aayega. So these things you can make note of. These things are very important. Okay, so so even though I think the lecture is becoming a little boring today, I'm not well due to some reason, so that is why lecture is a little boring. So I'll try my best ki aapko better tarike se samjha paun. So I wanted ki aapka har ek din utilize hona chahiye. Every day should be utilized properly. So this is some examples here. To yahan par aap example de sakte hain. So this is a 4 bit ring counter. Ye jo kaun sa counter hai, ye kaun sa counter hai? This is a 4 bit ring counter. Why it is called as a ring counter? Because of this one. Ye jo hai, ye jo input hai, it creates a ring. That is why we call it as a ring counter. And because it is a 4-bit ring counter, I told you the maximum modulus in a ring counter is only n. If you have n flip-flops in a ring counter, the maximum modulus is n. So here we have 4 flip-flops. Therefore, in this 4 flip-flop ring counter, the maximum modulus will be 4. Yahan par jo maximum modulus hai, wo 4 hi banega. Okay. And this is a twisted ring counter. So jo twisted ring counter hai, or you can say Johnson's flip-flop, I mean Johnson's counter. So here this is a twisted ring counter, as you can see here. Yahan par ek twisted ring counter hai. So in this twisted ring counter, if there are n flip-flops, the maximum modulus is 2 into n. So because there are 4 flip-flops, so maximum modulus is 8. So ab yahan par check kar sakte hain, if you counted the number of states, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there are total of 8 states here. Aap isko solve kar sakte hain. You can solve it by yourself. This is for your practice. By looking at it, you can understand and learn a lot of things. आप यहाँ से काफ़ी चीज़ें learn कर सकते हैं. And this is basically asynchronous counter. तो ये दो examples है asynchronous counter के. You can try to understand and solve it by yourself. This is for your practice purpose. And so what is the difference here? These are negative S triggered flip-flop, right? And this is, I told you that if this is negative S triggered, यहाँ पर negative S triggered है and we are giving a positive this Q1 as a clock here,
तो ये क्या बनेगा हमारे पास अप काउंटर. लेकिन अगर मैं यहाँ पर Q1 की जगह पर इफ आई कुड हैव गिवन दिस वन देन दिस विल बिकम अ डाउन काउंटर. सो यू कैन क्लियरली सी हियर, आप यहाँ पर देख सकते हैं हियर आई हैव गिवन दिस Q1 कॉम्प्लीमेंट, सो देन दैट इज वाई दिस विल बिकम अ डाउन काउंटर. तो ये जो है एक डाउन काउंटर बन सकता है, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन. एंड दिस अगेन अ 2-bit अप काउंटर. वाई इट इज़ अ अप काउंटर, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड. तो पहला ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है एंड इन पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड आई एम गिविंग Q1 कॉम्प्लीमेंट, सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ अप काउंटर. बट इफ इन दिस केस इफ आई गिव दिस Q1 राइट, सो अगर मैं यहाँ पर Q1 दूंगा इंस्टेड ऑफ Q1 कॉम्प्लीमेंट, सो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एज वेल एज आई एम गिविंग Q1, सो देन इट विल बिकम अ डाउन काउंटर. सो यू कैन मेक ट्रूथ टेबल फॉर दिस एंड आफ्टर मेकिंग द ट्रूथ टेबल यू कैन वेरीफाई द आंसर्स, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं. एंड अगेन यू हैव टू चेक वट काइंड ऑफ काउंटर इज इट, इज इट अप काउंटर, इज इट अ डाउन काउंटर. तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं दिस इज नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है एंड आई एम गिविंग अ पॉजिटिव वैल्यू हियर, सो दैट मीन्स इट इज अ अप काउंटर. ये जो काउंटर है ये आपके पास अप काउंटर है, करेक्ट. एंड दिस इज असिंक्रोनस काउंटर एंड दिस इज अ सिंक्रोनस काउंटर. तो सिंक्रोनस काउंटर में द क्लॉक विल बी द सेम, क्लॉक जो है वो यहाँ पर सेम रहेगी.